हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्यदेव। गाइस, आज से हम यूनिटी 2D गेम डेवलपमेंट में एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज गूगल डायनो एंडलेस रनर। गाइस, ये वो वाला गेम बनाना सीखेंगे जब हम गूगल को ओपन करते हैं और हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, तो एक गूगल हमें गेम खेलने के लिए देता है, वो बनाना सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे वो जान लेते हैं। सो गाइस, आज का हमारे टॉपिक्स होंगे सिर्फ और सिर्फ ये जानना कि इस गेम को बनाने के लिए हमें किस किस आइडिया की जरूरत होगी, नीड्स ऑफ दिस गेम। फर्स्ट, पैरालॉक्स स्क्रोलिंग ऑफ बैकग्राउंड। ये क्या चीज होती है गाइस? पैरालॉक्स स्क्रोलिंग वो चीज होती है जो हमें 3D व्यू देती है। एक 2D गेम में भी 3D व्यू देना, फॉर एग्जाम्पल हमने अपना गूगल को ओपन किया, मैंने स्पेस प्रेस किया ताकि मेरा गेम चालू हो जाए। अब आप एक चीज देखेंगे इधर क्या कि हमारा जो बादल हैं, मींस क्लाउड हैं, जो धीमे धीमे मूव कर रहे हैं, और वहीं जो ये वाला बैकग्राउंड है वो स्पीडली मूव कर रहा है। गाइस, ये है तो 2D गेम पर लग कैसा रहा है 3D व्यू जैसा, मींस ये क्लाउड्स बहुत दूर हैं इस वजह से स्लो मूव कर रहे हैं, और वहीं हमारा डायनो इस पे मूव कर रहा है तो ये फास्ट मूव कर रहा है ना। इसे ही कहते हैं पैरालॉक्स स्क्रोलिंग, मींस हमारा बैकग्राउंड कुछ अलग स्पीड से मूव करेगा और नीचे वाला बैकग्राउंड अलग स्पीड से। सेकंड, हमें लाना होगा अपने गेम में लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या होते हैं? जैसे कि ये जो कैक्टस हैं, ये हमारे चैलेंजेस हैं। हमारी बर्ड जो इस गेम में आती है वो चैलेंज है, तो ये हमें अपने गेम में लाने होंगे ताकि हमारा गेम इंटरेस्टिंग बन सके। थर्ड चीज, हमें स्क्रिप्ट लिखनी होगी अपने डायनासोर के लिए सी शार्प में। ओके, यहां मैंने ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, ओनली फॉर जंपिंग। व्हाई, वो जानते हैं। मैंने अपना गूगल ओपन किया, इसमें मैं एक चीज देखूं, मैं रन कर दिया मैंने अपना गेम, तो मेरा डायनासोर अपनी पोजीशन से हिला भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन पे है जो कि ये वाली पोजीशन है। और मूव क्या क्या हो रहा है? हमारा बैकग्राउंड मूव हो रहा है और हमारी ये लेयर मूव हो रही है, यस और नो? और ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा डायनासोर असलियत में मूव हो रहा है, हमारा डायनासोर एक ही जगह पे, पर वहीं अगर हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो वो जंप करता है, अप एरो की प्रेस करते हैं तो वो जंप करता है। मींस हमें एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें हमारा डायनासोर अप एरो की में जंप करे और स्पेस में जंप करे, और जब हम डाउन एरो की प्रेस करें तो वो अलग हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक, एनिमेशन ऑफ डायनो एंड बर्ड्स। एनिमेशन कैसे करेंगे हम? क्या करेंगे, हमें कुछ इमेजेस की जरूरत पड़ेगी इस एनिमेशन को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इमेजेस है हमारे डायनासोर की, आप देख रहे होंगे इसमें ये वाला लेग नीचे है, ये वाला ऊपर है, अब इसमें ये वाला भी नीचे आ गया, अब ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर आ गया। जब हम इसे साइकिल में मूव करेंगे बार बार, तो ऐसा लगेगा हमारा डायनासोर ऊपर नीचे पैर कर रहा है, और ऐसा लगेगा कि हमारा डायनासोर रन कर रहा है। हमारे डायनासोर के ऊपर नीचे बस पैर मूव कर रहे हैं, वो है एक ही जगह, हमें कैसा लग रहा है कि वो हमारा डायनासोर इस वाली लाइन पर मूव कर रहा है। सेकंड एनिमेशन हमें यूज करना होगा इस एनिमेशन का, जब हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो हमारा ये वाला एनिमेशन रन होता है, यस और नो? एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, अब ये वाला जो नीचे था, सॉरी, जो ये वाला ऊपर था, अब वो नीचे हो गया, ये वाला ऊपर, और जब हम इसे साइकिल में मूव करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो नीचे झुक के दौड़ रहा हो। सी गाइस, जब मैंने डाउन एरो की प्रेस की तो मेरा डायनो नीचे मुड़ने लगा, स्पेस बार प्रेस किया तो आप देखना, जब मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो आप देखें इसमें क्या, मेरे डायनासोर के दोनों पैर एक बराबर है, ताकि ऐसा लगे कि मेरा डायनासोर अभी मूव नहीं कर रहा। मींस जब हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तब हमारा एनिमेशन नहीं चलना चाहिए, यस और नो? एनिमेशन कब चलना चाहिए? जब हमारा डायनासोर आइडली मूव कर रहा हो सिर्फ और सिर्फ नीचे, मींस ग्राउंड से जब वो अटैच होगा तब हमारा एनिमेशन चलना चाहिए। हमारे पास दो एनिमेशन हैं, एक डाउन एरो की प्रेस करने पे एनिमेशन होगा और एक सिंपल ही एनिमेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा UI। UI क्या है? ये हमें देगा स्कोर एंड रीस्टार्ट बटन। जैसे कि जब मैंने इसमें रन किया, मैं आउट हुआ तो मेरे पास क्या क्या आ गया? एक मेरे पास आया ये वाला पैनल। इस पैनल में क्या क्या है? एक टेक्स्ट है गेम ओवर नाम का, और एक बटन है जो हमें रीस्टार्ट करने में देगा हेल्प। किसको? एक ऐसी लेवल को जो अभी चल रही थी,
means ये restart button एक ऐसी level को load करेगा जो ये level currently चल रही है. Second चीज score की बारी आती है. Score का panel ये है. इसमें मेरे पास एक high score और एक है current score. Current score तब चलेगा जब हम move कर रहे हैं. अगर मेरे current score की value greater than होती है high score से तो क्या होगा, तो हमारा high score की value बराबर हो जाएगी हमारे current score के. ये logic है हमारे स्कोर का. लास्ट थिंग आती है हमारे साउंड्स की. जब हम इस गेम को खेलते हैं तो साउंड भी आता है. यस और नो, जब हम अप एरो की प्रेस करेंगे तो अलग साउंड, जब हमारा डायनासोर हमारे चैलेंजेस से मींस कैक्टस से कोलाइड हो जाएगा तो एक अलग साउंड. आज की वीडियो के लिए इतना कॉन्सेप्ट बहुत है. आइडिया मैंने दिया कि इस गेम को बनाने के लिए क्या क्या आइडिया की जरूरत है. नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी सीरीज की बिगिनिंग करेंगे. फर्स्ट होगा हमारा पैरालॉक्स स्क्रोलिंग. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन.